हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ वाले तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले तिल को, मैंने यहाँ पे एक कटोरी तिल लिए हैं, इसको हम रोस्ट करेंगे। करीबन 100 तिल है, इसको अच्छे से थोड़ा भूनेंगे। भूनते वक्त आपको जल्दी से इसको हिलाना है ताकि तिल जल ना जाए। तो देखिए, 2 मिनट भूनने के बाद हम देखेंगे कि तिल थोड़े से ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। तिल निकालने के बाद अब हम इसमें करीबन 1 चम्मच घी डालेंगे। देसी घी मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसमें डालेंगे गुड़, जिसकी हम चाशनी बनाएंगे। गुड़ पिघलने लग गया है और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें इसको बीच में। गुड़ की चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा हम गुड़ की चाशनी को लेके कटोरी में पानी डाल के हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे इस तरीके से। अगर गुड़ की चाशनी तैयार है तो ये जम जाएगी पानी में जाते और नीचे डालने पे ऐसे आवाज भी करेगी। तो इस तरीके से हम जज करेंगे कि हमारी चाशनी तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए तिल। और अच्छे से हिलाएंगे। और इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। थोड़े से किशमिश या फिर बादाम भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, गैस बंद कर देंगे। अब हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। ध्यान रहे कि गरम पे ही बनाना है आपको, ठंडा होने पे ये जम जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे गुड़ और तिल के लड्डू। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप इन्हें अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इसका मजा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।